कलजीखाल ब्लॉक के प्रसिद्ध मुंडेश्वर खैरालिंग मेले में पौड़ी विधायक पहुंचे। मेले में पहुंचे विधायक राजकुमार पौड़ी ने कहा कि उन्हें यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ। वहीं दूर दूर से लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं। उन्होंने सड़क और पानी की समस्या को भी दूर करने की बात कही। देखिए, पिछले दो साल कोरोना के कारण खैरालिंग का जो कौथिक है, दो दिवसीय कौथिक जो होता है वो हो नहीं पाया, लेकिन 2022 में बड़े भव्य रूप से ये मेला मनाया जा रहा है। और इस मेले में पहले दिन ध्वजा चढ़ती है, जो कि भगवान खैरालिंग महादेव और माँ कालिंका के मंदिर में चढ़ती है। उसमें भी भक्तों ने पूरे सहयोग के साथ, हर्षोल्लास के साथ वो ध्वजा चढ़ाई। और दूसरे दिन महिला मंगल दलों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, इसके साथ स्थानीय लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ यहाँ पर की जा रही है, ताकि इस मेले को भव्य बनाया जाए। और इस मेले की आस्था पूरे विश्व भर में प्रख्यात है, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे होंगे कि मेले में देश विदेश से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। जो मेला है क्षेत्रीय समिति द्वारा आयोजित किया गया है, और ये हर वर्ष होता था, लेकिन कोरोना काल की वजह से दो साल से नहीं हुआ, और आज ये जो है दो साल के बाद यहाँ पर मेला हो रहा है। और बहुत भीड़ है इसमें, इस मेले में बहुत भीड़ है, क्योंकि इस समय जो है बाहर से लोग, सब लोग बाहर गांव में आ रखे हैं बाहर से, उसकी वजह से जो है यहाँ पर भीड़ बहुत अच्छी दिखने को मिल रही है।